अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीके कार्स। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो ये है कि हाउ टू ड्राइव अ मैनुअल कार। आप मैनुअल गाड़ी को किस तरह चला सकते हैं, और अगर आप पहले ड्राइवर हैं, न्यू ड्राइवर हैं, आपने मतलब कभी गाड़ी नहीं चलाई ना बाइक चलाई है, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह चलाया जा सकता है। तो आप कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि किस तरह मतलब रेस कहाँ पे होती है, ब्रेक कौन सी है, क्लच कहाँ पे है, और ये बेसिक जब आप सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा कि किस तरह गाड़ी को चलाया जाता है। अच्छा, तो बेसिकली गाड़ी चलाने के लिए तीन पेडल्स का आपको ख्याल रखना पड़ता है। नंबर वन, दिस इज़ एक्सेलरेटर, ब्रेक, एंड द थर्ड वन इज़ क्लच। ठीक है, अब इसको ABC के नाम से भी याद रख सकते हैं, A फॉर एक्सेलरेटर, B फॉर ब्रेक, एंड C फॉर क्लच। ठीक है, अब ये तीन आपने याद रखना है। अब इसमें आपने कभी भी मिक्स नहीं करना कि ये कौन सा एक्सेलरेटर है, कौन सी ब्रेक है। आपने जो चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि एक्सेलरेटर और ब्रेक, इन दोनों को आपने अपने राइट पांव से दबाना है, और जो क्लच होगा इसे आपने लेफ्ट पांव से दबाना है। इसकी रीज़न ये है कि ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों को इकट्ठे ना दबाएं, वरना आप इस तरह दबाएंगे और एक्सीडेंट होने का चांस बन सकता है। इस वजह से राइट आपने जो पांव है उसको एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए यूज़ करना है, और जो लेफ्ट है दिस इज़ ओनली फॉर क्लच। ठीक है, अब ये बात आपने पहले याद करनी है। आप गाड़ी बंद रखें स्टार्ट किए बगैर, आप बार बार याद करें ऊपर देख के कि ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, दिस इज़ एक्सीलेटर, दिस इज़ ब्रेक। बार बार अपने माइंड में रिवाइंड करें एक्सीलेटर ब्रेक, ब्रेक एक्सीलेटर, ताकि आपको ये पक्का हो जाए कि कहाँ पे है, ताकि इमरजेंसी में आपके माइंड खुद ही उस वक्त ब्रेक पे जाए। ये ना हो कि आपका गलती से रेस ज़्यादा दे दे या एक्सीलेटर दे दे तो एक्सीडेंट होने का खुदा ना खास्ता मसला हो सकता है। जो दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना है वो ये है कि गियर, आपकी गाड़ी में टोटल कितने गियर्स हैं पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह इस गाड़ी में आपको नज़र आ रहा है कि 5 फॉरवर्ड गियर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और एक रिवर्स का गियर है, टोटल मिला के 6 गियर्स बनते हैं। अब आपने बंद गाड़ी पे इसकी पहले प्रैक्टिस करनी है। क्लच आपने दबाना है, सबसे लेफ्ट वाला एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाला आपका क्लच है, क्लच आपने दबा के आपने पहला गियर लगाना है। सबसे फुल लेफ्ट करेंगे और आगे करेंगे तो ये पहला गियर लग गया। जैसे ऊपर पैटर्न बना हुआ आपने इसी को फॉलो करना है। इसी तरह हम वापस आएंगे, ये पहले न्यूट्रल हुआ है, अब ये दूसरा लग गया, अब हम वापस आते हैं, ये देखिए इस टाइम न्यूट्रल हो गया। अब दोबारा पहले और दूसरे की प्रैक्टिस करके तीसरे में जाएंगे, पहला गियर, दूसरा गियर, और आप सेंटर में आ गए, सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो तीसरा गियर लग जाएगा। इसी तरह वापस आएंगे न्यूट्रल, और बिल्कुल पीछे जाएंगे तो फोर्थ गियर लग गया। इसी तरह अगर फिफ्थ की बात करें तो फुल आप राइट साइड पर जाएंगे और आगे कर देंगे तो ये फिफ्थ गियर लग गया। और इसी तरह अगर आपने रिवर्स लगाना है तो इसको फुल राइट करके बैक कर देंगे तो ये रिवर्स गियर लग जाएगा आपका। ये तो ये बेसिकली 3, 4, 5 पोजीशंस हैं जो आपने याद करनी है, इतना इसमें टफ नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली गाड़ी बंद करके ये प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें इसकी, और बाद में ड्राइविंग के दौरान ड्यूरिंग द ड्राइविंग आपको कोई मसला ना हो। तो अच्छा, तो इसके बाद हैंड ब्रेक की बात कर लेते हैं। तो ये दरमियान में सेंटर में आपकी हैंड ब्रेक है, इसको किस तरह नीचे किया जाएगा, आपने इसका बटन ऐसे दबाएंगे दुबेगा नहीं, आपने इसको पहले थोड़ा सा ऊपर खींचते हुए इसका बटन दबाना है। तो ये देखें इजीली प्रेस हो गया, अगर मैं इस ऐसे ही प्रेस करूँगा तो ये प्रेस नहीं होगा, ये देखें ये हार्ड है। इसको पहले आपने हल्का सा ऊपर खींचना है और प्रेस करना है, फिर आराम से आपकी जैसे ही फुल नीचे चली जाएगी सामने मीटर से आपकी इंडिकेशन भी चली जाएगी, और इसका मतलब है कि हैंड ब्रेक आपकी छूट गई है, मतलब हैंड ब्रेक आपकी अब नहीं लग रही। ठीक है, जैसे ही आपको ये बेसिक सी चीज़ें आ जाएंगी कि एक्सीलेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा, क्लच कहाँ पे है, कितने गियर्स हैं गाड़ी में, और किस तरह से गियर्स को आप आगे पीछे शिफ्टिंग कर रहे हैं उसके, और हैंड ब्रेक किस तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं, जब बेसिक ये तमाम आपको चीज़ें आ जाएंगी उसके बाद आपने इस गाड़ी को स्टार्ट करना है। और इस तरह नहीं, किसी इंस्ट्रक्टर के साथ, किसी जिसको गाड़ी बेहतर चलाना आती हो उसके साथ आप बैठ के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अकेले बैठ के आपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना, और आपने कोशिश करनी है कि खुली जगह पर गाड़ी को ले जाएँ जहाँ पर कोई ट्रैफिक ना हो, या कोई खुला एरिया हो, पार्क हो, कोई ऐसी जगह हो, वहाँ पर आप गाड़ी को टेस्ट करें, और जैसे मैं आपको आगे बताऊँगा आपने उसको फॉलो करना है ताकि आप गाड़ी को सीख सकें। सबसे पहले तो आपने ये इंश्योर कर लेना है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए। ये देखें आप फुल लेफ्ट करेंगे, फुल राइट करेंगे, और गियर की पोजीशन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस टाइम न्यूट्रल है। अगर कोई भी गियर लगा होगा, फर्स्ट कर लें तीसरा गियर लगा होता है, तीसरा गियर है तो देखें गियर लीवर मूव नहीं कर रहा लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर। जब आप न्यूट्रल में होंगे तब भी आपका पूरा लेफ्ट और पूरा राइट तक ये गियर मूव करेगा, इसका मतलब आप इस टाइम न्यूट्रल में हैं और यू आर फ्री टू स्टार्ट द कार। जैसे आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है तो आपने उसके बाद गाड़ी का ये की को इंसर्ट कर देना इसके अंदर, और बेसिकली यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे तीन पोजीशन होती हैं। एक ACC की, पहले मैं चाबी आपको निकाल के बता दूँ, यहाँ पे एक ऑफ की पोजीशन है, ACC की है, ऑन की है, और स्टार्ट की। ठीक है, टोटल 4 पोजीशंस हैं, और जैसे ही आप चाबी इंसर्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी का सेंट्रल लॉक जो होगा इस टाइम वो एक्टिवेट होगा। तो आपने अपने हैंडल को थोड़ा सा रोटेट करना है और चाबी को आगे कर देना है,
तो ACC पे एसेसरीज पे चला जाएगा। अब इस एसेसरीज पे क्या होता है, आपका FM रेडियो की सप्लाई आ जाती है और उसके अलावा आप गाने शाने सुन सकते हैं, ये मेन चीज़ें होती हैं इसमें। उसके बाद आपकी ऑन पोजीशन आती है, ये ऑन पोजीशन में आपका मीटर जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है उसके अलावा सारी आपकी मतलब चीज़ें ऑन हो जाती हैं, इंक्लूडिंग द फ्यूल पम्प। बस आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, और जब जैसे ही अगला पॉइंट करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने रेस उठाए बगैर, सॉरी रेस पे पाँव दिए बगैर आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, ये देखें, और ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये आपने ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा स्टार्ट दे के रखें तो सेल्फ दे के रखें तो फिर वो गाड़ी आपका सेल्फ ख़राब हो जाएगा। जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होने लगे आपने छोड़ देना है इसको, तो ये वापस ऑन पोजीशन में आ जाएगा और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसे बंद करने का भी यही तरीका है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और की को बाहर निकाल लेंगे और आपका स्टेयरिंग भी लॉक हो जाएगा और गाड़ी भी बंद हो जाएगी। इस टाइम मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता चुका हूँ गाड़ी के बारे में, कितने गियर्स हैं, क्लच कहाँ पे है, रेस कहाँ पे, ब्रेक कहाँ पे है, ऑन ऑफ किस तरह करते हैं गाड़ी को, जब सारा कुछ आपको आ जाएगा उसके बाद आपने गाड़ी में बैठना है, किसी को साथ बिठा लेना है जिसको गाड़ी आती हो, और किसी खुली जगह पर जाके फिर आपने गाड़ी को टेस्ट करना है। आपने अपने हाइट के हिसाब से गाड़ी की जो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जिस गाड़ी में हाइट का ऑप्शन है उसको हाइट एडजस्ट कर लें, और आगे पीछे आपने इसको स्लाइड करके अपने लेग्स के हिसाब से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है, इस तरह के आपका जो ड्राइविंग पोजीशन है वो इस तरह रहे। अब ये थोड़ी सी सीट इसमें पीछे है, क्लच मैं दुबा के देख रहा हूँ, क्लच जो है थोड़ा ज़ोर से मुश्किल से दुब रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसे आगे करूँगा ये, और अपने हिसाब से देखें यहाँ पे मेरे आर्म्स जो हैं ये पूरे खुले नहीं हुए, स्ट्रेच नहीं हुए। अब यहाँ पे हैं, ये मैं कंफर्टेबल गाड़ी चला सकता हूँ और पूरा स्टीयरिंग आराम से मोड़ सकता हूँ, और क्लच भी इस टाइम मैं पूरा दबा पा रहा हूँ, ब्रेक और रेस पे मेरी अच्छी तरह एक्सेस है। जब ये सारा कुछ हो जाए आप सीट अच्छी तरह एडजस्ट कर लें, उसके बाद ही आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने का तरीका यह है कि आप पहले की ले लेंगे चाबी की, जो चाबी मेरे हाथ में है, और इसे लॉक लगा लेते हैं पहले, जिस तरह लॉक पोजीशन में है आप सबसे पहले की इंसर्ट करेंगे और स्टेयरिंग थोड़ा सा रोटेट करके इसको ऑन कर देंगे। अब ये गाड़ी ऑन पोजीशन में आ गई है, आप इंश्योर करेंगे कि गियर आपका न्यूट्रल में है और हैंड ब्रेक आपकी लगी हुई है, ये नहीं मैं कह रहा खुली हुई है, हैंड ब्रेक आपकी ऑन होनी चाहिए। आप क्लच और ब्रेक दोनों को प्रेस कर लेंगे, ब्रेक इसलिए प्रेस की जाती है कि गाड़ी आपकी इंक्लाइन पोजीशन में ना हो, अगर गाड़ी आपकी इंक्लाइन पोजीशन में होगी तो गाड़ी आपकी आगे पीछे जा सकती है जब जैसे आप हैंड ब्रेक छोड़ेंगे, इसलिए पहले आप गाड़ी को स्टार्ट कर लें इसी पोजीशन में। अब गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अब सबसे पहला तरीका ये है कि आपने हैंड ब्रेक को नीचे कर लेना है प्रेस करके, जिस तरह मैं आपको पहले सिखाया है, और आपने पहला गियर लगा लेना है, ये देखें सर फुल लेफ्ट करके आगे करेंगे तो पहला गियर लग जाएगा। अब ब्रेक को छोड़ दें और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो स्लो रेजन ही, अगर आपकी गाड़ी में RPM मीटर है तो RPM पे आप देख के थोड़ा थोड़ा मतलब 1500 के आसपास RPM से शुरू करें, ज़्यादा रेस नहीं देनी, अंडर 2000 RPM आपने रखने हैं। अब हल्की सी मैं रेस दे रहा हूँ और साथ साथ मैं क्लच को छोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, ये देखें क्लच आपने एकदम से पूरा नहीं कभी छोड़ना, क्लच बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है तो आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी लाइक दिस। ये देखें मैं इस टाइम हल्का हल्का क्लच छोड़ रहा हूँ, हल्की हल्की रेस दे रहा हूँ और गाड़ी चलना शुरू हो गई है। तो आपने सबसे पहले किसी इंस्ट्रक्टर को जब आप साथ बैठा लेंगे तो आपने यही कोशिश करनी है कि आप गाड़ी को दूसरे तीसरे गियर में ना चलाएं, आप पहले गियर में ही बार बार चलाएं। किसी खुली जगह पर आप जाएंगे तो पहला गियर लगाएं, थोड़ी सी गाड़ी को उठाएं, गाड़ी अगर आपकी सही चल जाती है ब्रेक लगाएं फिर रोक दें, फिर आप गाड़ी को चलाएं पहले गियर से उठाएं फिर ब्रेक लगाएं, क्योंकि बेसिकली मसला यही होता है कि गाड़ी को आप एकदम से उठाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करेगी, बहुत आहिस्ता करेंगे तो वो झटके मार के बंद हो जाएगी। तो बेसिकली यही सीखना है कि रेस और क्लच का कम्बिनेशन इस तरह बनाया जाए कि गाड़ी आराम से आपकी उठ जाए। तो इसी के लिए यही है कि आप लोग बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, पहला गियर से ही उठाएं और बार बार ब्रेक लगाएं, इस तरह बार बार करते रहें, एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट, एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट, इस तरह जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए पहले गियर की, उसके बाद आप दूसरे तीसरे गियर में जाना सीखें। और यही है आपके लिए मैं एडवाइज़ करूँगा कि आप पहले गियर में जब ये क्लच और रेस का कम्बिनेशन सीख लेंगे तो फिर ही आप गाड़ी चलाने में कामयाब हो सकते हैं। इस तरह नहीं है कि आपको थोड़ी सी गाड़ी आ गई है हैंडलिंग वगैरह, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सीखना फिर। अच्छा, तो लास्ट में मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूँगा जो कि आपको ख्याल रखना है गाड़ी चलाते वक्त। सबसे पहली बात यह है कि जब गाड़ी ठंडी हो, मतलब कि जब आप सुबह के टाइम गाड़ी को स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपने गाड़ी को एटलीस्ट 60 सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए गाड़ी को आइडल रेस पे चलने देना है। आपने रेसें नहीं देनी, कुछ लोग स्टार्ट करने के बाद फ़ौरन काफ़ी ज़्यादा रेसें देते हैं, उससे वेयर एंड टेयर काफ़ी ज़्यादा होती है इंजन की। आपने आइडल स्पीड पे उसे चलने देना है मिनिमम 60 सेकंड्स, ताकि गाड़ी जो इंजन है वो थ्रू आउट सारे इंजन में इंजन ऑयल जो है वो फैल जाए, उसके अलावा जो गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपने फॉलो करना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि
आपने क्लच, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे आपने क्लच को दुबाई नहीं रखना, आपने क्लच को पूरा रिलीज़ करना है या पूरा दुबाना है। ये नहीं कि आप आधा क्लच दुबा रहे हैं आधा छोड़ रहे हैं, तो उससे जो प्रेशर प्लेट है क्लच प्लेट है ये ख़राब होती हैं। तो ये दो तीन बातें थी जिसका आपने ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अब पता नहीं क्या कमियाँ हैं क्या नहीं हैं।